वंदे मातरम वंदे मातरम। हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। लेह से आई ये तस्वीरें सेना के जवानों का मनोबल ऊंचा करने वाली हैं। लद्दाख में पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने चीन को कड़ा संदेश दे दिया है कि अब हम बैलेट के लिए भी तैयार हैं और वॉलेट के लिए भी तैयार हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर सुबह सुबह 8:30 बजे अचानक लद्दाख में उतरा। गलवान की झड़प के 18 दिन बाद मोदी लद्दाख का दौरा कर रहे हैं। पहले इसकी जानकारी बिल्कुल नहीं थी, लेकिन मोदी ने लद्दाख पहुंचकर सबको चौंका दिया। प्रधानमंत्री मोदी नीमू में 11,000 फीट ऊंची फॉरवर्ड लोकेशन पर आर्मी एयरफोर्स और आईटीबीपी के जवानों के बीच पहुंचे और उनका हौसला बढ़ाया। नीमू से चीन की दूरी सिर्फ 250 किलोमीटर है। प्रधानमंत्री ने जवानों से बातचीत का फोटो इंस्टाग्राम पर शेयर भी किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जवानों से बात कर रहे हैं, साथ ही साथ वो लद्दाख की जो स्थिति है, क्योंकि विपक्ष जिस तरह के आरोप लगाता रहा है तो उसके बाद सेना से वो उस मैप को भी समझते हुए दिख रहे हैं। देख सकते हैं आपकी सेना के जवान उनको कुछ समझा रहे हैं कि हमारी पोजीशन क्या है और दुश्मन देश की पोजीशन क्या है। इस तरह की बातें, इस तस्वीर को इसी तरह से एनालिसिस किया जा रहा, बताया जा रहा है कि मोदी इसी तरह की चीज वहां समझ रहे होंगे। आपको बता दें कि इससे पहले राजनाथ सिंह का कार्यक्रम था, लेकिन अचानक प्रधानमंत्री मोदी पहुंच गए। राजनाथ सिंह का दौरा रद्द कर दिया गया था, टाल दिया गया था। अब मोदी जब पहुंचे हैं तो कांग्रेस ने इस पर तंज कस दिया है। पार्टी के प्रवक्ता मनीष तिवारी ने ट्वीट करके कहा है कि जब इंदिरा गांधी ले गई थी तो पाकिस्तान के 2 हिस्से हुए थे, अब देखते हैं कि मोदी क्या करते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन को दो टूक कह चुके हैं कि जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने सर्वदलीय बैठक में भी कहा था कि उन्होंने सेना को फ्री हैंड दे रखा है और उसके बाद सीमा पर लगातार सेना की तैनाती बढ़ाई जा रही है। T-19 भीष्म टैंक भी वहां पर तैनात कर दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमा पर पहुंचकर चीन को सख्त संदेश दे दिया है कि आपकी एक भूल इस बार आपको बहुत भारी पड़ सकती है, इसलिए चीन सावधान हो जाओ। वीके न्यूज की रिपोर्ट।